हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने एक लर्निंग लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का स्लॉट बुक किया हुआ है और वो स्लॉट आप अभी कैंसिल करना चाहते हो, तो उसे कैसे कैंसिल करना है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप डेट भी चेंज करना चाहते हो तो यही सेम प्रोसेस है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सर्विसेज में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो, ये पॉपअप आपको कैंसिल कर देना है। इसको कैंसिल करने के बाद यहाँ पे देखो, आपको ऑप्शन मिलेगा अपॉइंटमेंट। ओके, अपॉइंटमेंट में नीचे आपको यहाँ पे देखो ऑप्शन मिल रहा है कैंसिल LL टेस्ट स्लॉट। अगर लर्निंग लाइसेंस है तो LL स्लॉट पे करो, अगर ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करना है तो DL स्लॉट पे करो। ठीक है, तो मुझे लर्निंग लाइसेंस का कैंसिल करना है तो मैं लर्निंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ओके, अभी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और जो कैप्चा शो हो रहा है ब्लैक कलर में वो डाल देना है। ये सब डिटेल्स डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दो। ओके, जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जिस नंबर से आपने एप्लीकेशन को अप्लाई किया है उस नंबर पे एक OTP आएगा, तो वो वाला सिक्योरिटी कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। तो दोस्तों, मेरा सिक्योरिटी कोड आ चुका है, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, सिक्योरिटी कोड डालने के बाद नीचे सबमिट पे क्लिक कर दो। सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन का सारा डेटा यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करते ही कैंसिल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है और ये देखो पूछ रहा है, आर यू श्योर टू वांट टू कैंसिल स्लॉट बुकिंग। अगर करना है तो येस पे क्लिक कर दो, अगर कैंसिल नहीं करना है तो नो पे क्लिक कर दो। तो दोस्तों, मुझे ये कैंसिल नहीं करना है स्लॉट, क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बुक्ड है, तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। अगर आपको कैंसिल करना है यहाँ पे तो येस पे क्लिक कर दो। तो येस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि स्लॉट कैंसिल सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आपको फिर से एक नया डेट सिलेक्ट करना है, रीशेड्यूल करना है, तो फिर से आपको ये वाले स्क्रीन पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे देखो पहला ही ऑप्शन है स्लॉट बुकिंग LL टेस्ट। अगर DL का करना चाहो तो नीचे वाला ऑप्शन DL टेस्ट आप सिलेक्ट कर लो। मुझे फिर से लर्निंग वाला करवाना है तो लर्निंग वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको वही सेम प्रोसेस करना है, अपॉइंटमेंट में जाना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। लेकिन मेरा ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि मैंने टेस्ट जो कैंसिल नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने कैंसिल किया होगा तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते ही आपको ऑप्शन मिलेगा कि प्रोसेस टू बुक स्लॉट। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कौन सी डेट में अवेलेबल स्लॉट्स है वो सिलेक्ट कर लो और जो सूटेबल टाइम है वो सिलेक्ट करके आपको बुक कर लेना है आपका स्लॉट। तो दोस्तों, बहुत ही ईजी है, आप अपने घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस का या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का स्लॉट बुक कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो आसानी से। डेट चेंज करनी है तो डेट चेंज कर सकते हो, रिशेड्यूल आराम से कर सकते हो घर बैठे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड और भी वीडियोज़ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हो दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।